इतनी इजी टू कैरी है, इजी टू हैंडल है कि दिल भर जाए तो बस पैक कीजिए और रख दीजिए या किसी को दे दीजिए, इतनी कोई महंगी भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। एक बार फिर आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं और देखें, कभी तो हम ऐसे गायब होते हैं कि फिर वीडियो कोई बनती ही नहीं है, और जब बनाने पे आते हैं तो बस एक कल आपके साथ शेयर की और एक आज शेयर करने लगे। ये एक क्या कह सकते हैं इसको, फर्नीचर का आइटम कह सकते हैं, जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किया था और फाइनली ये मुझे रिसीव हो गया है। और इसको हम करेंगे अनपैक और दिखाएंगे कि हमने क्या चीज़ ऑर्डर की थी। आजकल जो है ना, मुझे बहुत चस्के लगे हुए हैं ऑनलाइन शॉपिंग के, चाहे वो घर की चीज़ें हों, किचन से रिलेटेड हों या क्लोथिंग आइटम हो, मैं रच के बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही हूँ, तो मुझे इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। और दराज से तो मैंने पिछले 2-3 महीनों में इतना कुछ ऑर्डर किया है, वो कहते हैं ना कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा होता है तो फिर आप बेफिक्र होके मजे से ऑर्डर्स करते हैं। तो आइए इसको अनपैक करते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या चीज है। वक्त जाया किए बगैर इसे जल्दी से खोलते हैं और साथ में आपको प्राइस भी बताएंगे। और ये मैंने क्यों ऑर्डर की है या किया है और किस चीज के लिए, किस जगह के लिए है, ये सब हम आपको बताते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा कोई मजबूती से पैक नहीं किया हुआ, इसको ऐसे ही खोलना पड़ेगा। वाओ, मैं समझ रही थी साइज छोटा होगा, बट क्या है ये, दिखाते हैं अभी। अच्छा जी, और ये क्या बांसुरी है? नहीं नहीं, ये भी आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या है। पहले ये सब हटाते हैं, यहां से क्लियर करते हैं स्पेस, फिर खोलते हैं। सबसे पहले हम ये खोल लेते हैं। और अच्छा, बाहर से इतना सेफली रैप नहीं था, लेकिन अंदर अच्छी तरह रैप किया हुआ है। और इस पैकिंग के, अच्छा क्लिंग रैप है, कोई इतनी ज़्यादा कोई मजबूत पैकिंग तो मैं नहीं कहूँगी। इसको डस्टबिन में डालते हैं। अब आपको कुछ कुछ आइडिया हो गया होगा कि क्या चीज़ है। नहीं हुआ आइडिया, अब हो जाएगा। और इसके अंदर होपफुली कुछ डैमेज ना हुआ। ये अब आ गया समझ या अभी भी नहीं आया? चले आपको दिखाते हैं इसको असेंबल करके। अब यहाँ इन्होंने ये भंड मार दिया है, और वो भंड ये है कि इन्होंने ये होल्स इसमें नहीं करके दिए हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसमें कुछ होल्स करने होंगे इसके बैक पे, ताकि हम ये जो दिए हुए हैं इन्होंने इसके पाए, वो हम फिक्स कर सकें। तो चलें अब होल्स करते हैं। तो ये रही हमारी ड्रिल। और मेरे पास माशाल्लाह घर में हर चीज़ मौजूद होती है, चाहे वो औजार हो या कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि मुझे सारे काम अपने हाथ से करने की आदत है। तो जब चीज़ें मौजूद होती हैं तो फिर काम आसान हो जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये मार्किंग तो की हुई है, लेकिन इसके लिए इन्होंने ना कोई वो नहीं दिया, मतलब इसको होल नहीं किया इन्होंने। चले वो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा नहीं हुआ है भाई, जस्ट उस पर वुड ऊपर आ गई है। ओहो, यहाँ पर देख लेते हैं, किया हुआ है भाई, होल है। नहीं होता तो फिर हम कर लेते इससे। तो इसको वापस रख के आते हैं जगह पे। हाँ, वहाँ की मेहनत करवा दी। अब हम ये करेंगे कि यहाँ ये स्क्रू है, और इससे इसमें डाल के ये हमने यूं बस घुमाना, कुछ नहीं करना, समझ रहे हैं? क्योंकि ये असेंबल के बगैर अगर भेजते ना, ओ सॉरी, असेंबल करके भेजते तो फिर वो जगह ज़्यादा घेरती। अब इस तरह से इजी हो गया, बॉक्स भी आराम से आ गया। और अभी ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ रखने के लिए ली है, और ये मेरे फर्नीचर से बिल्कुल मैच है। और लकीली कोई भी चीज़ मैं घर के लिए ख़रीदती हूँ ना, तो वो मुझे मैचिंग की ही मिल जाती है। इस मामले में अल्लाह का बहुत शुक्र है, बिकॉज आई एम अ मैचिंग फ्रीक। ये देखिए जनाब, इसके तीनों पाए फिक्स हो गए हैं अच्छे से। अब मैं आपको ये रख के बताती हूँ कि ये कहाँ के लिए मैंने लिए। तो आइए इसको इसकी मतलूबा जगह पर पहुँचाते हैं। तो ये इसकी मतलूबा जगह है, और
ये साइड टेबल या इसको कॉफ़ी टेबल भी कहा जाता है, ये मैंने मंगाई है यहाँ अपनी रॉकिंग चेयर के साथ रखने के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर बैठ के सुकून से मज़े से आप आराम के मूड में होते हैं या रिलैक्स कर रहे होते हैं। पिक्चर में ये जो है वो लाइट लग रहा था, लेकिन ये कुछ डार्क है। कोई बात नहीं, कंट्रास्ट में चल जाएगा, वैसे भी एक साइड पे रखा हुआ है। और इसके प्राइस हैं 800 रुपीज़ और 110 रुपये डिलीवरी चार्जेस। तकरीबन ये मुझे 1000 की पड़ी, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट जो भी होता है ना वो फिर मैं राइडर्स को दे देती हूँ। तो ये था हमारा दराज का पैकेज जो कि हमने आपके साथ अनपैक किया। और बड़ी ज़बरदस्त सी साइड टेबल है, कॉर्नर टेबल कह लीजिए, वैसे तो इसको कॉफ़ी टेबल कहा जाता है। और इतनी इजी टू कैरी है, इजी टू हैंडल है कि दिल भर जाए तो बस पैक कीजिए और रख दीजिए या किसी को दे दीजिए। इतनी कोई महंगी भी नहीं है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। दराज पे जाके सर्च कीजिए, डिफरेंट रेट्स पे 1000 के अंदर अंदर ये आपको मिल जाएगी। बहुत काम की चीज़ है। तो बस यहाँ तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं और कोशिश करेंगे कि इसी तरह जल्दी जल्दी वीडियोज़ ना आपके साथ शेयर किया करें। गर्मी बहुत है, ऑफिस से जस्ट पहुँची थी और इसको मैंने अनपैक किया। अब जाके मैं रिलैक्स करूँगी, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।